ओके गाइस, सो वेलकम बैक। आई एम रोहित देसाई एंड टुडे आई एम गोइंग टू शो यू द इंट्रोडक्शन ऑफ हुडनी एफेक्ट्स। एंड टुडे वी विल अंडरस्टैंड ऑल अबाउट द वर्क स्पेस ऑफ हुडनी एफेक्ट्स एंड विल सी ऑल द लेआउट पार्ट। ओके, हाउ वी कैन एडजस्ट, हाउ वी कैन मैनेज एंड टूल्स। ओके, एंड इट वुड बी टोटली इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। तो अगर अच्छा लगे तो कृपया करके हमारा चैनल को लाइक कर देना, ठीक है। आई थिंक एवरी वन इज़ अवेयर अबाउट दिस, और इफ यू डोंट नो देन हुडनी एफेक्ट्स इज मेनली यूज फॉर क्रिएटिंग द एफेक्ट्स पार्ट। एंड एफेक्ट्स लाइक वॉट, हियर वी कैन क्रिएट फायर, फॉग, रेन, क्लाउड, ओके, फ्लूइड्स, एवरीथिंग, फ्रैक्चर्स, काफ़ी कुछ चीज़ें जो आप फिल्मों में देखते हो ना, एफेक्ट्स वाली पार्ट, वो सारा चीज़ यहाँ पे आराम से किया जा सकता है, ठीक है। ऐसा लोगों को लगता है कि हुडनी एफेक्ट्स इज़ ऐसा कॉम्प्लेक्स नहीं है, ऐसा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, ऐसा लोगों को लगता है, बट सीखेंगे तो सीख जाते हैं। और शायद आप लोगों को पता ही होगा कि हर एक इंडस्ट्री में अभी सिर्फ एफेक्ट्स के लिए हुडनी एफेक्ट्स को ही लोग प्रेफर करते हैं, क्योंकि इसमें क्या है कि नोट सिस्टम है, और नोट सिस्टम में जो काम अगर आपने वर्क फ्लो अगर समझ गया, इसका नेटवर्क समझ गया आपने अगर, तो मतलब समझो कि आपके लिए तो बेनिफिट ही बेनिफिट है। जॉब के लिए तो बहुत सारे वैकेंसीज के अवेलेबल रहते हैं, और एक बार अगर आपने अच्छे से सीख लिया तो लाइफ में मतलब आपको कभी पीछे मुड़ के देखने की ज़रूरत नहीं होता है। तो ये हुडनी एफेक्ट्स है। चलिए तो पहले हम बात करते हैं कि इंटरफेस कैसे वर्क करता है और किस तरह से ये काम करेगा, ठीक है। ओके, सो फर्स्ट थिंग इज़ आई विल शो यू, लाइक देखिए कैसा होता है कि एनी अदर DCC एप्लीकेशन इफ़ यू आर यूजिंग, लाइक माया, मैक्स, और लाइक एनी अदर सिनेमा फूडी, ब्लेंडर, जो भी आप इस्तेमाल करते हो, उनका भी कुछ होता है, जैसे कि मॉडलिंग, टेक्चरिंग, लाइटिंग, एनिमेशन, रिगिंग, एवरीथिंग, बाकी चीज़ें आपको वहाँ पे सारा सेम चीज़ मिलता है। सो इन द हुडनी एफेक्ट्स ऑल्सो यू विल गेट द सेम थिंग्स, ठीक है, यहाँ पे भी सेम तरीके से काम होगा। बट द थिंग इज़ कि अगर आप माया में काम करते हो ना, तो आपको लेयर सिस्टम, नोट सिस्टम दोनों मिल जाता है, लेकिन यहाँ पे जो मिलेगा आपको नोट सिस्टम पे काम करने के लिए ज़्यादा मिलेगा। तो बट एक बार नोड का पाइपलाइन आप समझ जाएंगे, ठीक है, तो फिर आपका वर्क फ्लो ईजी हो जाएगा और काम कर पाएंगे। ओके, तो कैसा है कि आप जो ये देख रहे हो, ये पूरा वर्क स्पेस है हुडनी एफेक्ट्स का बेसिक, जिसके अंदर आपको यहाँ देखने को मिलेगा, ये होता है हमारा मेन्यू बार, ठीक है, और इसको कहते हैं सेल्फ मेन्यू, जिसमें एज यूजल आप माया अगर आपने यूज़ किया रहेगा या फिर कोई भी सॉफ्टवेयर जैसे ब्लेंडर वगैरह है, तो उसमें कैसा होता है ना कि वहाँ पे सेल्फ मेन्यू होता है। आजकल सब में सेल्फ डाल देते हैं लोग, मतलब हर एक सॉफ्टवेयर्स में अवेलेबल हो रहा है। तो ये सेल्फ मेन्यू है जहाँ पर आप इंडिविजुअली हर एक डिपार्टमेंट वाइज आप काम कर सकते हो, जैसे कुछ क्रिएट करना है फॉर एग्जांपल के लिए, तो मेरे पास यहाँ से कुछ क्यूब्स वगैरह यहाँ पे लेना होगा तो मैं ले पाऊँगा। चलिए पहले मैं इसको क्लोज करता हूँ। ये जो एरिया होता है इसको हम लोग कहते हैं वेलकम विंडो, और ये वेलकम विंडो में आप इसके ट्यूटोरियल्स वगैरह भी बेसिक सब कुछ इन्फॉर्मेशन वगैरह यहाँ से ले पाएंगे ऑनलाइन, ठीक है। मैं इसको क्लोज करता हूँ बिकॉज राइट नाउ आई एम नॉट गोइंग टू यूज़ दिस, सो जस्ट सी क्लोज। ओके, सो एज यूजल वी गेट द सेल्फ मेन्यू इन हुडनी एफेक्ट्स। आप यहाँ जो देख रहे हो ये चीज़ें सेल्फ है, और ये ज़्यादातर मोस्ट ऑफ क्रिएशन पार्ट है, और ये साइड में आप जाओगे तो क्रिएशन के अलावा आपका जो एफेक्ट्स पार्ट होता है वो सारा चीज़ आपको इधर मिलता है, ठीक है। अगर आपको लगता है कि कुछ चीज़ें आपको चेंज करना है फॉर एग्जांपल के लिए वर्क्स, तो ये जो है यहाँ पे वर्क स्पेस चेंज करेगा। अगर मैं इसको कहता हूँ ग्रूमिंग, जैसे मैंने वहाँ से लिया था ग्रूमिंग, ठीक है, और यहाँ से मैंने अगर चेंज किया तो वहाँ से भी डायरेक्टली मैं चेंज कर पाऊँगा, ठीक है। ये ग्रूमिंग के लिए मैं काम कर रहा हूँ तो यहाँ पर मैं ग्रूमिंग के लिए जाऊँगा। ओके, तो यहाँ से वर्क स्पेस हमारा चेंज होता है, ये वर्क स्पेस मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, ठीक है, क्योंकि वर्क स्पेस से थोड़ा सा आपको फैमिलियर होना पड़ता है। लाइक कंपोजिटिंग के लिए जाना है तो मुझे इमेज पे जाना पड़ेगा, लुक डेवलपमेंट में काम करना है तो मुझे इस पे जाना पड़ेगा, और ये जो ऑप्शन है वो मॉडलिंग के लिए है, ठीक है, जो हमको जनरली ऐसे मिल जाता है तो यहाँ पर है। तो ये जो आप देख रहे हो वर्क स्पेस, यहाँ से चेंज किया जा सकता है, और यहाँ से इसके सेल्फ में से लिया जा सकता है कि भाई हम मॉडलिंग करना चाहते हैं, तो मॉडलिंग के रिलेटेड जितना भी काम होगा वो सारा मेन्यू बार आपको यहाँ पे दिखेगा, ठीक है। तो ये आपने काफ़ी यहाँ से समझा ये चीज़ें,
बट ठीक है, मैं लेफ्ट साइड में यहाँ पे देखूंगा तो यहाँ पर मुझे हुडनी का टूल बार मिलेंगे जिसमें मूव टूल, रोटेट, स्केल और एडिटिंग के लिए यहाँ पे मिल जाएगा, इधर स्नैपिंग के लिए मिल जाएंगे और मेन जो कंट्रोल है हमारा हैंडल मैनिपुलेटर जिसको कहते हैं वो यहाँ पे मिल जाएगा जो हमेशा यूज़ होगा। कैमरा लॉक वगैरह करना होता है यहाँ पे मिल जाएगा। ये एरिया पे आप देख रहे हो ना, ये एरिया जो होता है इसको डिस्प्ले पैनल कहते हैं। तो ये डिस्प्ले ऑप्शन में से हम जाके अनहाइड हाइड यहाँ से कर पाएंगे और सारा ऑप्शन यहाँ से इनेबल डिसेबल कर पाएंगे। मैं बताऊँगा कैसे काम करना है। सो लाइक इफ़ यू वॉन्ट टू चेंज द व्यू पोर्ट्स एंड यू वॉन्ट टू ऐड मोर व्यू पोर्ट्स हियर, so simply you have to go here in this side and from here you can use the single view, right? So by default we are getting the single view. अगर आपको चार viewports में चाहिए तो आपको यहाँ पर click करना पड़ेगा और यहाँ पर आप देख सकते हो control plus 4 जो shortcut दिया हुआ है, आप इसको use भी कर सकते हो। ठीक है, आप अभी देख सकते हो काफ़ी अच्छे तरीके से हमें दिख रहा है। ये है आपका top, front और right। जनरली आप लोगों को पता ही होगा व्यूज़ हमारे जो व्यूपोर्ट्स होते हैं उसका जो मेन यूज़ होता है वो अलाइनमेंट और एडजस्टमेंट्स के लिए होता है, प्लेसमेंट्स के लिए होता है। तो आप पर्सपेक्टिव में डायरेक्टली आप ड्राइंग करना चाहते हो आप कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट अगर अलाइनमेंट सही से करना है तो ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट्स का काम करना पड़ेगा। आपको यहाँ पर मिल जाएगा नॉन ऑर्थोग्राफिक और ये जो पार्ट मिलेगा, ये जो तीन अलग अलग व्यूपोर्ट्स आप देख रहे हैं नीचे, ये आपको मिलेगा ऑर्थोग्राफिक व्यूपोर्ट्स जो कम्प्लीटली 2D होता है। अगर आप कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे आप ड्रॉ करते हैं, देखिए मैं यहाँ से ड्रॉ कर रहा हूँ, ये क्रिएट पैनल है क्योंकि मैंने अगर मॉडलिंग ठान रखा है कि मुझे मॉडलिंग करनी है तो मॉडलिंग के लिए हमें यहाँ से ऑप्शन मिल जाएंगे। ठीक है, मॉडिफाई मॉडल सब यहाँ से मिलता है। आप ये साइड में जाओगे तो ये नेटवर्क ग्राफ है और ये आपका पैरामीटर है। तो पहले मैं क्या करता हूँ, इसको ड्रॉइंग करता हूँ। ड्रॉइंग करने के लिए मैंने क्या कहा था कि अगर आप नोड सिस्टम डायरेक्टली एक्सेस करना चाहते हो या ड्रॉ करना चाहते हो तो हमारे पास दो अलग अलग ऑप्शंस हैं। एक ऑप्शन है कि आप यहाँ से क्लिक करेंगे और इसके सेंटर में यहाँ पे टॉप में जाके आप क्लिक कर देंगे तो आपका जो व्यू पोर्ट है आप देख सकते हो यहाँ पे कम्प्लीटली फिल हो चुका है क्योंकि यहाँ पे बड़ा साइज़ में हमारा ग्रिड आया है और ये हमारा पर्सपेक्टिव विंडो है जहाँ पर भी दिख रहा है। ठीक है ना, तो आप यहाँ पे देखोगे राइट साइड में आपका नोड आ चुका है। ओके, और मैंने कहा कि ओडनी जो है नोड सिस्टम पे वर्क करता है, तो अगर आप यहाँ पे देखोगे ना तो आपको इनपुट और आउटपुट का प्रोसेस मिलेगा। ठीक है, अगर आउटपुट अगर हम देखेंगे तो ये हमारा इसका इनपुट और यहाँ पर आपको इसका मिल जाएगा आउटपुट। ठीक है, तो इसका आउटपुट अगर हमको ट्रांसफॉर्म से ऐड करना है या किसी और चीज़ों में ऐड करना है तो मैं यहाँ से इसका ले सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल के लिए अगर मुझे यहाँ पर नोड सिस्टम चाहिए तो मैं सिंपली टैप प्रेस करूँगा तो भी मेरे पास यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगा ट्रांसफॉर्म का, या जो भी आपको चाहिए आप ले पाएंगे। लेकिन यहाँ पे डायरेक्टली आप नहीं ले पाएंगे इसको ट्रांसफॉर्म, लेकिन अगर इसके अंदर डाइव करेंगे, डबल क्लिक आपको करना है, आप डबल क्लिक करके इसके अंदर आप जा सकते हैं और यहाँ से भी कुछ कस्टमाइज़ आप कर सकते हैं प्रॉपर्टी। जैसे मैंने कहा कि ये जो एरिया होता है ये पैरामीटर विंडो होता है जहाँ पर आप कंट्रोल्स कर सकते हैं, इसके सेगमेंट्स पर काम कर सकते हैं। और यहाँ पर मैं इसको ट्रांसफॉर्म का ऐड करने जा रहा था मैं, तो सिंपली मैंने कहा कि अगर टैप मारोगे तो भी आपको ट्रांसफॉर्म का कमांड मिल जाएगा, यहाँ से आप ले पाएंगे। ठीक है, और ये हो गया इसका ट्रांसफॉर्म। अगर ये इनेबल करेंगे तो मतलब ये नोड हमारा एक्टिव है, मतलब इसका जो ट्रांसफॉर्मेशन का हमने एट्रीब्यूट यहाँ पे ऐड किया है तो वो यहाँ पे विजिबल होगा। तो आप ये ब्लू डॉट को आप क्लिक करेंगे तो ये इनेबल हो जाएगा। ठीक है, आप यहाँ से इसको स्केल वगैरह सब कर सकते हैं। देखिए छोटा साइज़, बड़ा साइज़, हमें जो भी चाहिए रहेगा हम आराम से कर पाएंगे। तो मैं जस्ट यहाँ पे बता रहा था कि अगर मुझे यहाँ पे अलाइन करना है, प्लेस करना है, तो मुझे ड्राइंग पहले करना पड़ेगा ऑब्जेक्ट्स। अगर फॉर एग्जांपल के लिए मैं यहाँ से लेता हूँ स्पीयर, ठीक है, और ये स्पीयर मुझे सेंटर में चाहिए यहाँ पर, मैं प्रोस्पेक्टिव से डायरेक्टली काम करना चाहता हूँ, तो सिंपली आई हैव टू हिट द एंटर की लाइक दिस। ओके, एंड अगेन आई वॉन्ट टू रिड्यूस द साइज फॉर दिस शेप, जस्ट गो टू हियर एंड रिड्यूस द साइज। आप देखो इस तरह से आपने साइज़ ले लिया, और अगर आप यहाँ पे आप देख सकते हो ये थोड़ा सा अंदर है तो आप इसको आप चाहे तो फ्रंट से या फिर राइट से, दोनों जगह से आप इसको प्लेस कर पाओगे, अलाइन कर पाओगे, एडजस्ट कर पाओगे। यहाँ से आप नहीं कर पाओगे टॉप से क्योंकि ये आपका 2D व्यू पोर्ट्स है, राइट। और ये सब व्यू पोर्ट्स अगर आपको लगता है कि आपको चेंज करना चाहिए
तो आप क्या करेंगे, आप यहाँ से डायरेक्टली आप चेंज भी कर सकते हो। देखो यहाँ पे इसके अलग अलग सब मिल जाएंगे, ठीक है, आप यहाँ से चेक कर सकते हो और यहाँ से चेंज कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे ये टॉप है और टॉप को मैं अगर फ्रंट में करता हूँ या फिर बॉटम में करना चाहता हूँ, तो यहाँ से जस्ट क्लिक करना है, देखिए वो चला गया बैक साइड में। तो सिंपली यू कैन चेंज द व्यू पोर्ट्स फ्रॉम हियर, ओके, यू कैन सेट योर व्यू पोर्ट्स। सो इफ आई से टॉप, मतलब ये टॉप से दिख जाएगा, ओके, एंड गो बैक टू हियर, जस्ट से सी दीज आर माई लाइक एसेट्स विच आई यूज फॉर ड्राइंग, ठीक है ना। यहाँ पे आप देख सकते हो पैरामीटर्स यहाँ पे आ गया। सो इस तरह से आप यहाँ पे ड्राइंग कर पाएंगे और व्यू पोर्ट्स में काम कर पाएंगे, ओके। तो अगर मुझे लगता है कि ये सब व्यू पोर्ट्स में है बट आई वॉन्ट टू डिलीट, सिंपली यू हैव टू हिट डिलीट की, देन यू कैन लाइक डिलीट ऑल द एसेट्स या ऑब्जेक्ट्स जो भी रहेंगे आपके ज्योमेट्रीज, यू कैन डिलीट। यहाँ पर मैं क्या करता हूँ, आपको दिखाता हूँ कि अगर मुझे कुछ कैरेक्टर या कुछ बाहर से ऑब्जेक्ट्स, कुछ भी एसेट्स इंपोर्ट करना होगा, तो हम लोग यहाँ पर जाएंगे फाइल मेन्यू में और यहाँ से आप डायरेक्टली देखो इंपोर्ट कर सकते हो। एक होता है ज्योमेट्री, इमेज, कोलाडा, दीज आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ फॉर्मेट विच सपोर्ट्स हुडिनी एफेक्ट्स और लाइक एनी अदर डीसीसी का एप्लीकेशन। इफ यू आर यूजिंग एंड यू वॉन्ट टू इम्पोर्ट ऑल दोज एलिमेंट्स फ्रॉम लाइक अनदर सॉफ्टवेयर, डायरेक्टली यू कैन इम्पोर्ट यूजिंग दिस मैथड। सो इनसाइड दिस और अंडर दिस इम्पोर्ट मेन्यू यू विल गेट ऑल द कमांड्स। अगर मुझे चाहिए कि यार आई वॉन्ट टू एड माई कैरेक्टर विच इज़ एनिमेटेड, मैं यहाँ से फिल्म बॉक्स में जाऊँगा एंड आई विल सिलेक्ट द फाइल। सो गो टू हियर एंड से डाउनलोड्स और यहाँ से आप इसको इंपोर्ट डायरेक्टली कर सकते हैं, ठीक है। सो ये स्वॉर्ड शील्ड आप देख सकते हो, मैंने इसको यहाँ पे कर दिया और इसको मैं कहता हूँ इंपोर्ट इन न्यू सीन। अगर मुझे नया सीन चाहिए आई कैन यूज़ दिस मेथड और लाइक आई वॉन्ट टू इम्पोर्ट विद इन दिस एरिया और इन साइड दिस एरिया, सिंपली हैव टू से द इम्पोर्ट। सो मैं यहाँ से डायरेक्टली इसको इम्पोर्ट कर लेता हूँ और इसको डिस्कार्ड करता हूँ, तो ये क्या करेगा, आपका यहाँ पे इम्पोर्ट कर दिया है। आप यहाँ से देख सकते हो ये आपका कैरेक्टर है, ठीक है। और अगर आप यहाँ पे देखना चाहते हो कि दिखना चाहिए, तो आप इसको थोड़ा जूम इन और जूम आउट आप कर सकते हो। देखो इस तरह से सिंपली आप स्क्रोल जो है आप यूज़ कर सकते हो जूम इन एंड जूम आउट के लिए, और लेफ्ट क्लिक से इस तरह से आप इसको पैन भी कर सकते हो, ठीक है। राइट क्लिक से इस तरह से जूम इन एंड जूम आउट होगा। तो ये कैरेक्टर हमने बाहर से लिया है, ठीक है। आप अलग अलग एंगल से यहाँ पे देखना चाहते हो आप यहाँ पे चेक कर सकते हो, ठीक है। आप देख सकते हो ये कैरेक्टर मेरा दिख रहा है लेकिन आई कैन नॉट सी कम्प्लीटली, यहाँ से कुछ दिख रहा है बट ठीक है, पता नहीं चल रहा। ओके, सो लाइक दीज आर द व्यू पोर्ट्स आई सेड, यहाँ से भी हम देख सकते हैं, यहाँ पर से भी देख सकते हैं ऐसा। ये टॉप का एंगल है तो टॉप एंगल से देखो काफ़ी काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है, हमको नहीं दिख रहा है सब चीज़ें, तो आई कैन जूम इट एंड आई कैन चेक। सो ये आपका टॉप एंगल है, ओके। तो ये चीज़ है, आप इसके अंदर आप जंप कर सकते हो और जंप करने के बाद यू कैन सी ऑल द कमांड्स लाइक विच इम्पोर्टेड दिस नोड। आप इसके अंदर डबल क्लिक करेंगे तो आप इसके अंदर के सारे कमांड्स आप देख पाएंगे, ठीक है। यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन बाद में इसको हम लोग करेंगे, किस तरह से इसको एडजस्ट करेंगे वो चीज़ मैं आपको बताऊंगा, ठीक है, ओके। ये था इम्पोर्टिंग और व्यू पोर्ट्स। अभी हम देखते हैं नेविगेशन, ठीक है। इसको मैं डॉन्ट सेव करता हूँ, ठीक है। और मुझे नेविगेशन के लिए लाइक मैं यहाँ से कुछ ऑब्जेक्ट्स ड्रॉ किया, ठीक है, और ड्रॉ करने के बाद मैं इसको स्केल करता हूँ, ठीक है। और यहाँ पे डायरेक्टली मैं देखिए व्यू पोर्ट को है ना, जिस तरह से मैंने कहा कि कमांड डायरेक्टली लेफ्ट माउस बटन, मिडिल माउस बटन और राइट क्लिक से डायरेक्टली मैं ऑप्शन ले रहा था, बट यहाँ पर वर्क नहीं कर रहा है बिकॉज हियर वी आर यूजिंग ऑल द कमांड्स ऑफ हुडनी, राइट। तो मैं अगर इसको डायरेक्टली काम करना चाहता हूँ, सिंपली यू हैव टू प्रेस ऑल्ट देन यू कैन डू लाइक दिस, आप आर्क रोटेट इस तरह से आप कर पाओगे, राइट। अगर आप ऑल्ट को होल्ड करके रखे हो और मिडिल माउस बटन से ड्रैग करते हो तो इस तरह से आप इसको पैन कर सकते हो,
ठीक है, और राइट क्लिक से जूम इन एंड जूम आउट कर सकते हो होल्डिंग ऑल्ट। तो ऑल्ट को होल्ड करके रखना है, मिडल माउस बटन, लेफ्ट माउस बटन एंड राइट माउस बटन, ठीक है। सो ये नेविगेशन के लिए, और ये नेविगेशन के लिए आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हो, ठीक है। अगर मुझे कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पर चाहिए इसके ऊपर, सिंपली आई हैव टू हिट ओनली द एंटर की, मैंने जैसे कहा, एंड आई वॉन्ट टू रिड्यूस द साइज फॉर दिस एंड आई वॉन्ट टू एडजस्ट लाइक दिस। आप देख सकते हो मेरा ऑब्जेक्ट यहाँ पर आ गया है, ठीक है। और कुछ चीज़ें अगर मुझे यहाँ पे ऐड करना है या इसमें वर्क करना मुझे, तो डबल क्लिक करेंगे इसको, और डबल क्लिक करने के बाद आप इसके अंदर जो भी कमांड ऐड करना चाहते हैं आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। फॉर एग्जाम्पल के लिए मैं यहाँ पे लेता हूँ माउंटेन, टैप प्रेस करो एंड से माउंटेन, देखो यहाँ पे आपको माउंटेन मिल जाएगा, ठीक है। आप जैसे इसको कनेक्ट किया, आप देख सकते हो यहाँ पे कनेक्ट करके इसको अगर मुझे इनेबल करना है, तो मैंने क्या कहा था कि ये डिस्प्ले रेंडर आपको यहाँ से इनेबल करना पड़ता है, ऐसा। तो आप देख सकते हो आपका ऑब्जेक्ट जो है काफ़ी अच्छे तरीके से यहाँ पे दिख रहा है, बट इसके अंदर कुछ मुझे एडिट करना है। फॉर एग्जाम्पल के लिए इसके सेगमेंट्स मुझे थोड़े से इंक्रीज करने, देखिए तो मैं यहाँ से सेगमेंट इसके पैरामीटर में जाके इसको कंट्रोल कर लूँगा, सब यहाँ पे दिख जाएगा। और इसका भी एम्पलीट्यूड पे मैं खेल सकता हूँ, इसका प्रॉपर्टीज यहाँ पे आप देख सकते हो काफ़ी अच्छा है। और इसको अगर मैं यहाँ पे 1 करता हूँ, आप देख सकते हो काफ़ी स्मूथ हो गया। और ज़्यादा नॉइस चाहिए या ज़्यादा डिटेल चाहिए आप यहाँ पर ट्राई कर सकते हो, काफ़ी कुछ चीज़ें हैं, ठीक है। मैं बैक जाता हूँ, यहाँ पर एक लाइट यहाँ से ऐड करता हूँ, आप देख सकते हो इधर लाइट का भी ऑप्शन है, और ये लाइट आप यहाँ पे इस्तेमाल करोगे। और ये है इन्वायरमेंटल एरिया लाइट, डिस्टेंट लाइट जिसको हम लोग कहते हैं, एरिया लाइट इधर है, डिस्टेंट लाइट मैं यूज़ करने जा रहा हूँ, ठीक है। ये देखिए यह आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये यहाँ पे ऑर्थोग्राफिक व्यू पॉइंट आपका आ रहा था, देखो। तो कोई बात नहीं, हम लोग डायरेक्टली इसको सेट भी कर सकते हैं, ओके। अब इसका लाइट शाडोज मुझे डिस्प्ले में चाहिए, आप यहाँ से इसको इनेबल डिसेबल आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये लाइट है, आप देख सकते हो लाइट यहाँ से इनेबल हुआ डिसेबल हुआ, आपको अगर चेक करना रहेगा आप चेक कर सकते हो। अगर मुझे रेंडर भी करना है, मैंने कहा देखिए यहाँ पे इसके पैलेट्स होते हैं, और यहाँ पे अगर आप जाएंगे रेंडर में, और रेंडर से आप इसको डायरेक्टली आप रेंडर करो, तो आपका इमेज भी रेंडर करके देगा। यस, आप शैडो के साथ इसको आप देख सकते हो। कुछ मटेरियल्स वगैरह मुझे अगर ऐड करनी होगी तो मैं मटेरियल भी यहाँ से ऐड कर सकता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे मटेरियल्स हैं, ठीक है। एसेट ब्राउजर है, और सारा जो ट्री यहाँ पे मैंने कहा कि हम लोग अलग अलग मोड्स पे काम करेंगे, तो यहाँ पे अभी हम लोग जो मॉडलिंग कर रहे हैं तो ये ऑब्जेक्ट मोड में जाएगा। अगर मुझे रेंडर करना है या फिर मुझे आउटपुट देनी है इसकी, तो यहाँ पे जाना पड़ेगा। शेडर्स पे मुझे काम करना है तो शेडिंग ऑपरेटर में यहाँ पर जाना पड़ेगा। तो दीज आर द मोड्स, डायरेक्टली फ्रॉम हियर यू कैन सिलेक्ट एंड यू कैन वॉक। मैं यहाँ से जो भी चेंज कर रहा हूँ यहाँ पे चेंज हो रहा है, ओके। सो आई होप यू अंडरस्टूड, मैंने बहुत सारा चीज आज मैंने कवर किया है आप लोग के लिए, और इतना अगर समझ गए बहुत अच्छी बात है। नेक्स्ट वीडियो अगर मैं बनाऊंगा, अगर नेक्स्ट वीडियो हमारा जो आएगा उसमें आपको आगे देखने को मिलेगा, हम लोग मॉडलिंग शुरू करेंगे, तो कंटिन्यू आपको फॉलो करना है, आपको सारा वीडियो देखना है। अगर हुडमी एफएक्स आपको सीखना है तो आपको सीखना है, मैं इस तरह से आपको प्रोसेस बताते जाऊंगा, आपको काम करते जाना है, ठीक है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर देना वीडियो हमारा, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ओके। थैंक यू वेरी मच, फिर मिलेंगे।